गुड मॉर्निंग. सो लेट स्टार्ट विद आर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, ईटिंग टुगेदर. ट्रिंग, इट्स जसजीत ऑन द डोर. व्हेन खुशी एंड शिवम ओपन द डोर, दे कॉल्ड आउट एक्साइटेडली, जसजीत, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल? बोर्डिंग स्कूल. विच मीन्स जसजीत, जो कि हॉस्टल से, मतलब बोर्डिंग स्कूल से घर आया है, खुशी और शिवम गेट ओपन करते हैं और वो पूछते हैं जसजीत से कि तुम हॉस्टल से कब आए. जसजीत सेड जस्ट यस्टरडे. जसजीत ने कहा कल ही आया. खुशी सेड यू कम होम ओनली इन द वेकेशंस. डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल? यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स. अब खुशी पूछती है कि होम तो हम तभी आते हैं जब वेकेशंस होती है. खुशी ये भी पूछती है कि तुम्हें हॉस्टल में रहना पसंद है या तुम अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे थे. नाउ जसजीत सेड आई मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज फन. जसजीत कहता है कि येस आई मिस देम बट हॉस्टल में भी काफ़ी मज़ा आता है. इवन इफ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी इंजॉय ईटिंग टुगेदर विद आर फेलोज. मतलब वहाँ का खाना अच्छा नहीं होता बट फिर भी सबके साथ खाने में काफ़ी मज़ा आता है. वी हैव स्पेशल डाइनिंग हॉल. वहाँ पर एक स्पेशल डाइनिंग हॉल है. द फूड इज़ प्रिपेयर इन द हॉस्टल मेस. और फूड कहाँ पर प्रिपेयर करते हैं हॉस्टल में? मेस में. यानी कि जसजीत मेस का खाना खाता है. नाउ जसजीत सेड इट्स जस्ट लाइक लंगर इन गुरुद्वारा. कैसे खाते हैं हॉस्टल में? जैसे कि हम लंगर खाते हैं गुरुद्वारे में. लेट्स मूव टू गुरुद्वारा फॉर लंगर. दे वर हैप्पीली अग्रीड. अब जसजीत कहता है कि चलो गुरुद्वारे में लंगर खाने जाते हैं. नाउ खुशी एंड शिवम हैप्पीली अग्रीड. उनने खुशी खुशी हाँ कर दिया. दे कवर्ड देयर हेड्स एंड मूव्ड इन टू नियर बाय गुरुद्वारा. उन्होंने अपने हेड्स कवर किए और वो पास वाले गुरुद्वारे में लंगर करने गए. दे वेंट इन टू किचन ऑफ द गुरुद्वारा. वो लोग गुरुद्वारे के किचन में गए. इट वॉज़ वेरी ह्यूज. वो काफ़ी बड़ा था. लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर. वहाँ पर बहुत सारे काम चल रहे थे. फूड वॉज बींग कुक्ड इन ह्यूज वेसल्स. फूड बहुत बड़े वेसल्स में प्रिपेयर हो रहा था. ऑन वन साइड द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग. एक साइड पर चने की दाल और उड़द की दाल प्रिपेयर हो रही थी. खुशी आस्क्ड अ मैन हु वॉज नियर अ बिग वेसल. खुशी ने आदमी से बात की जो काफ़ी बड़े वेसल में दाल प्रिपेयर कर रहा था. और एक मैन बड़े वेसल के पास खड़ा था. खुशी उसके पास जाती है और पूछती है व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग, कि तुम क्या बना रहे हो. द मैन सेड आई एम प्रिपेयरिंग कड़ा प्रसाद. मैन ने कहा कि मैं कड़ा प्रसाद प्रिपेयर कर रहा हूँ. दिस इज़ अ काइंड ऑफ हलवा. शिवम आस्क्ड अ लेडी व्हाट आर यू डूइंग आंटी. अब कड़ा प्रसाद एक टाइप का हलवा होता है. नाउ शिवम एक लेडी के पास जाता है और उनसे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग आंटी, यानी कि आप क्या कर रहे हो आंटी. द ओल्ड लेडी सेड सन वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक देम इनटू दिस तंदूर. अब आंटी कहती है, वो ओल्ड लेडी कहती है कि हम चपातीज बना रहे हैं जो कि हम अब इस तंदूर में बनाने वाले हैं. वन ऑफ द लेडीज आंसर्ड एवरी वन हेयर कॉन्ट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर. फिर एक दूसरी लेडी रिप्लाई करती है कि इधर जो भी आता है वो कुछ ना कुछ काम करता है, किसी न किसी काम में कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देता है. सम अरेंज फॉर द मटीरियल, सम गिव मनी एंड अदर्स हेल्प इन द वर्क. कुछ मटीरियल्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ पैसे प्रोवाइड करते हैं और कुछ काम में मदद कराते हैं. आफ्टर अरदास कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड. अरदास हुई और उसके बाद कड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो हलवा जो प्रसाद में बनाया गया था. सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट डरीज इन द वरांडा एंड ऑल द पीपल सैट डाउन इन रोज टू हैव लंगर. अब कुछ बॉयज खड़े हुए और दरीज, यानी कि हम दरी बिछाते हैं ना बैठने के लिए, वो वरांडा में बिछाई और उस पर पीपल रोज में बैठ गए लंगर खाने के लिए. सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर. कुछ ने खाना सर्व किया और कुछ ने पानी सर्व किया. एवरी वन एट टुगेदर. सब ने साथ में मिलके खाना खाया. आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरी वन पिक्ड अप
ओन्स प्लेट। सबने अपनी अपनी खाना खाने के बाद प्लेट उठाई एंड पुट इट इन अ बिग ड्रम। बिग ड्रम था, उसमें अपनी प्लेट डाल दी। पीपल हु वर सर्विंग एट इन द एंड। अब जो सर्व कर रहे थे खाना, उनने एंड में खाना खाया। दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स। सबने वो जगह को धोया और सारे बर्तन वगैरह भी धोए। दिस टाइप ऑफ सिटिंग एंड ईटिंग टुगेदर इज नोन एज कम्युनिटी ईटिंग। अब इस तरीके के खाने को जो हम सबके साथ बैठकर खाते हैं, हम कहते हैं उसे कम्युनिटी ईटिंग।